पटना, जहानाबाद, समस्तीपुर, शेखपुरा में बूंदाबांदी। 5 दिसंबर के बाद और बढ़ेगी ठंड। कोहरे के चलते 24 ट्रेनें रद्द। बिहार में ठंड और बढ़ने वाली है। पटना, जहानाबाद, समस्तीपुर, शेखपुरा में शुक्रवार सुबह बूंदाबांदी हुई है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह घना कोहरा भी दिखा। मौसम विभाग की माने तो 5 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ सकती है। जी हां, 8 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक 24 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। पटना से आने जाने वाली 10 फ्लाइट भी लेट हुई हैं। बिहार में पूर्वा हवा चलने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से गुरुवार को राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। जबकि रोहतास के डेहरी और कैमूर में हल्की बारिश हुई। दिन में कुछ देर के लिए धूप खिली, ज्यादा समय तक बादल छाए रहे। रोहतास के डेहरी में 2.2 mm और कैमूर में 1.0 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 3 दिसंबर को तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना प्रकट की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में और सबसे कम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया है। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। पूरे दिन धुंध छाई रहेगी। वहीं पटना में देर रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान आपको बता दें, प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जगह पर बारिश होने की संभावना है। इसमें गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर जिलों के एक या दो स्थानों में बूंदाबांदी की संभावना प्रकट की गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।